अब यहाँ पे देखो पेज चल रहा है नीचे से हमारी पतंग, ऊपर से अपोनेंट, बाकी आप पेज देखो। इधर देखो इधर ही पतंगे रही है सब। खेच दे, कटेगा कटेगा तू कटेगा, अरे खेच यार अब। ओ भाई काटा, वो देखो क्या पेज काटा, दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी, पतंगे भी पेज भी। चल गया कटेगा, अरे वाह। तो यहाँ पे देखो हमारा एक और पेज चल रहा है, नीचे से है ना अपनी, नीचे से अपनी पतंग, ऊपर से अपोनेंट। ये देखो पेड़ उड़ाने वाला, ये रहा पेज, ये रहा। बहुत कर रहा पेड़ उड़ा रहा है, एकदम डोरे लगाने वाला। थोड़ा सा मैं नीचे बैठूंगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। देख रहा पतंग कैसे चला रहा है, खेच। खेच दे, अरे हट यार, इतना बढ़िया मौका छोड़ दिया। इधर देखो इधर ही पतंगे रही है सब। खेच दे, कटेगा कटेगा तू कटेगा, अरे खेच यार अब। ओ भाई काटा, वो देखो क्या पेच काटा पूरा आर पर, लेकिन एंड में हमने पतंग काट दी। देखो लगातार ही पेज दिखाएं और देखो कौन आया पतंग देखने, बंदर आ जा। खैर वो तो चले गया, हम दिखाते हैं आपको अपना पेज, अपनी नीचे से रही रेड सर्कल के अंदर जो है, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारा अपोनेंट ऊपर से, दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी, पतंगे भी पेज भी। चल गया कटेगा, अरे वाह, अंदर खींच के काट दिया भाई वाला पेज भी, डोर छूट गई थी, फिलहाल ये वाली पतंग भी काट दी। एक और पेज लड़ा, यहाँ पे शाम हो चुकी है, और आज आपको मैंने इतनी काइट फाइटिंग दिखाई ना, काइट लूटिंग, मज़ा आ गया होगा भाई आपको। काट दी क्या, पेज फंसा है और वो कटी एक और पतंग। तो भाई शाम हो चुकी है पूरी, हमने आज काफ़ी पतंगें लूटी, इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी पतंगें अभी भी जा रही हैं कट के, लेकिन हम वीडियो यानी यहीं पर एंड करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ऐसी वीडियो आपको और भी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओ कट गई पतंग, देखो नीचे वाली हमारी पतंग नहीं, ऊपर वाला अपोनेंट। पट मारा कट जाएगा, काट दिया, वो देखो वो काट दिया। अभी आपने देखा होगा जो हवा थी ना वो पछाओं में चल रही थी, तो अब हवा थोड़ी सी पुरवाई में आ गई है, तो अभी आप देखना कितनी ज़्यादा काइट फाइटिंग होगी। मेरी तो आपको पता है जब भी पुरवाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा पतंगें लड़ती हैं। तो सबसे पहले हम पतंग अपनी जो पार कर रहे हैं ना, ये चारखाना वाली है, इससे पहले मेरे दोस्त ने तीन पतंगें काट दी थी, उसकी पतंग अभी भी खड़ी है। हालांकि अब मैं उसके पेज नहीं दिखाऊंगा, बहुत पेज दिखा दी ना, आप आते हो मेरे पेज देखने के, तो अभी दिखाते हैं अपने पेज, अपने पेज दिखाता हूँ आपको। तो भाई एक सीन हो गया काफ़ी गंदा वाला, जो मेरी पतंग थी ना वो सामने पेड़ में फंस गई और यहाँ से पतंग फट चुकी है। तो अपनी सेकंड पतंग पार करते हैं, उससे लड़ा के दिखाते हैं। तो पतंग देखो मैंने पार कर ली अपनी, हवा देखो कितनी अच्छी चल रही, काइट फ्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही। तो आज की वीडियो का ये मेरा पहला पेज है, इससे पहले मेरे दोस्त लड़ाए। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं ऊपर से, और नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से गद्दा मारा। अब पतंग मैंने उसकी देख ली है कि जब मैं गद्दा मार रहा हूँ ना, उस बंदे की पतंग अंदर की आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको दिमाग के अंदर रखनी पड़ेंगी। फिर बनाया आगे, बहुत पतंगें उनने बाहर खींची, अब की बार जो हमने गद्दा मारा ना, अब क्या सीधा गद्दा मारा, अगर वो अंदर की दिखाता तो हम वहाँ पे पतंग रोक लेते, लेकिन उसने बाहर की खींची तो हमने पूरी जान से गद्दा मार के याला पेच काट दिया। बस छोटी छोटी चीज़ें ही अगर आपने सीख ली तो आप प्रो प्लेयर बन जाओगे भाई काइट फाइटिंग में, कोई नहीं काट पाएगा आपकी पतंग। अभी आ गया आज का भाई सेकंड पेज, और आपको एक चीज़ आपने देखी होगी मेरे साथ कि जब जो हवा तेज़ चलती है ना, तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ मैं खींच के पे लड़ाऊँ और ऊपर से लड़ाऊँ, क्योंकि एक बार आपने जो मुड्डा बना लिया पतंग का, आप पतंग काटोगे। तो देखो रेड सर्कल मेरी पतंग ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू वाला। अभी ये क्या हुआ यार, मुझे लगा ना यहाँ पे डोर टच हो गई, अगर मुझे पहले पता होता कि उस बंदे ने डोर छोड़ी है तो फिर तो मैं काट देता। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अपने अपोनेंट को ऊपर कैसे बुलाएं, तो भाई आप अपनी पतंग हवा में करो ना। अब देखो मैंने अपनी पतंग हवा में करी, अब देखना आप, हमारा जो अपोनेंट है ना वो खुद ही अपनी पतंग हवा में लेकर आएगा। ये देखो आया, तो यही चीज़ है, नीचे नहीं जाना ज़्यादा। चलो कुछ डिफरेंट करेंगे, इसका गद्दा मारा रोकी,
अंदर की दिखाई, रोक के बाहर की खींचूंगा, गद्दा मारा और वो देखो क्या करा, तीन बार भाई मुड्डे चेंज करे, बस यही है। अगर आपको मुड्डा चेंज करना आ गया ना, फिर तो कोई भी आ जाए भाई आपके सामने। सबसे अच्छा प्लेयर चाहे मैदान का हो चाहे छत का हो, खिंचाई में नहीं होता है, जिस बंदे ने मुड्डा चेंज करना सीख लिया पेज में, तो भाई वो अच्छा माना जाता है, किसी से भी आप पता कर लेना। अब मैंने इस वाली पतंग से दो पतंग काट दी हैं, आगे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, अब देखो मैं लेकर जा रहा हूँ पतंग, बंदे भाग जा रहे हैं पहले ही, तो ये खौफ होना चाहिए। आपने कल की वीडियो में देखा था जब मैं पतंग लेके जा रहा था, देखो ये गया, जितना नीचे ले जाऊंगा बंदे और नीचे कर लेंगे, उन्हें भाई पता है कि अगर वो मुझसे पेड़ उड़ाएंगे तो उनकी पतंग कटना तय है, तो ये खौफ अगर आपने पैदा कर दिया अपनी तरफ तो अलग ही भाई क्रेज होगा आपका। अब लगातार देखो मैंने यहाँ पे कितनी तीन पतंग काट रखी है, एक और पेज मेरा चल रहा है, रेड वाली मेरी पतंग ने ऊपर से नीचे से अपोनेंट है, बीच में ये बंदे यार बहुत परेशान करते हैं, मैं लड़ा आगे रहा हूँ, बीच में घुसा दे रही अपनी पतंग, ओ सेट भाई ये होती है, ये एक एक सेकंड मुझे कभी कभी इतना खल जाता है ना, बताओ एक सेकंड की सिर्फ देर हुई थी और एक सेकंड में मेरी पतंग कट के चली गई, बहुत दिमाग खराब होता जब भी ऐसे पतंग कटती है। वो देखो भाई खींच दिया बाहर का, खींच दिया ओ काटा यार, काइट लूटिंग की वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट कर दो भाई, बहुत ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही मेरी तरफ, आपका कमेंट और वीडियो आपके सामने कल, कमेंट कर देना काइट लूटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, बाकी काइट फाइटिंग देख लो एक बार आप। आप कहोगे रक्षा नाने वाला 15 अगस्त वाला, भाई कुछ नहीं भाई, ये रोज़ की काइट फाइटिंग है बरेली में, एक पेज मेरे सर के ऊपर ये चल रहा है, इसे थोड़ा सा कवर करेंगे, जो पतंग राइट हैंड साइड में बंदा नीचे से और लेफ्ट हैंड साइड में बंदा ऊपर से है, इसे कवर करने का अपना पेड़ लड़ाएंगे। हालांकि अभी एक पतंग मेरी कटी है, अच्छा कमेंट करके बताओ कौन काटेगा, पेज तो दोनों ही सही लड़ा रहे हैं, नीचे वाला काट देगा शायद, डोरों पर रख लिया, खींच दे झोल है खींच और वो काटा नीचे वाले ने, तो भाई नीचे वाले ने अच्छा पेड़ लड़ाया, पहले रोकी पतंग और जब उसका झोल मिला सामने वाले का वही बाहर की खींच के काट दी। पतंग पार करने जा ही रहा था, इतनी देर में एक पतंग पीछे से कट के आई, वही मैंने पार कर दिया ऊपर, आपको रेड गोले में जो पतंग दिखे कि ये भाई मेरी है, नीचे से आ रहा है अपोनेंट बहुत तेज़ी में, ब्लू वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया। यार पतंग मेरे मतलब की नहीं है, मैं उड़ाता हूँ थोड़ी हल्की पतंग, ये पतंग बहुत ज़्यादा भारी आ गई है मेरे पास कट के, तभी लोग कहते हैं अपने हाथ की पतंग उड़ानी चाहिए, अपने हाथ की बोले तो खुद करने वाले बांधो तो आपको पता रहेगा कैसी पतंग है आपके हाथ में, कटेगी जहाँ तक ये रोकी और वो झटके मार के उनने काट दी, पतंग ही ख़राब थी, इतनी ज़्यादा भारी पतंग थी और भारी पतंग मैं उड़ाता नहीं हूँ भाई, सबका अपना अपना पेज होता है, अगर आप हल्की पतंग से पतंग काटते हो फिर आप हल्की पतंग उड़ाओ, भारी उड़ाओगे फिर आपकी पतंग कटेगी वहाँ पे। खैर अब क्या, तो हल्की पतंग हमने छोड़ी है, तो देखो रेड साइड की तो मेरी पतंग गई ऊपर से, नीचे से अपोनेंट है ब्लू वाला, रेड वो लेफ्ट हैंड साइड से, कन्फ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यार अपोनेंट की पतंग बहुत लंबी है, मैंने बहुत ज़्यादा छोटी कर रखी है, क्योंकि मंजा मैंने थोड़ा सा कम बांध लिया, कंजूसी कर दी मंजा बांधने में, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा मंजा हो जाएगा लेकिन फिर बाद में हमने जब देखा ना मंजा बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन पतंग इतनी ज़्यादा उड़ रही थी हमने सोचा यार लड़ाई देते हैं, कौन उतारेगा, ओ मैंने ऊपर वाले से लड़ा लिया यार सेट, मैं लड़ा नीचे वाले से रहा था और इतना ज़्यादा मैं ओवर एक्साइटेड हो गया पतंग लड़ाने में कि मैंने ऊपर वाले से पेज लड़ा लिया और वहाँ मैंने अपने मुंह कटवा लिया। खैर कोई नहीं, ये तो होता रहता है काइट फाइटिंग में, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।